सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। जय श्री केदार, मैं हूं सचिन और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ब्यूटी में। दोस्तों, आज की वीडियो काइंड ऑफ क्यू एंड ए वीडियो ही होने वाली है, जिसमें मैं आपके मल्टीपल क्वेश्चंस, डाउट्स, क्वेरीज को क्लियर करने वाला हूं। करीब 25 से भी ज्यादा फ्रिक्वेंट क्वेश्चंस आज की वीडियो में होने वाले हैं। दोस्तों, आप लोग कॉमेंट करते हो, कॉमेंट में अपने क्वेरी, अपने डाउट मुझको बताते हो, बट मेरा इतना बिजी शेड्यूल रहता है कि मैं उनके रिप्लाई नहीं कर पाता मोस्टली केसेस में। तो इसीलिए कल मैंने पूरे दिन आपके कमेंट्स को रीड किया, फिर उसमें से कुछ फ्रिक्वेंट क्वेश्चंस मैंने निकाले जो काफ़ी सारे लोगों के थे, सिमिलर क्वेश्चंस थे वो। तो मुझको लगा क्यों ना एक वीडियो के थ्रू उन सभी क्वेश्चंस को आपको बता दिया जाए, क्लियर कर दिया जाए। सो इसीलिए ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल एंड इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। होप करता हूँ आपके मोस्टली जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए इस वीडियो के थ्रू। चलो फिर करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। सो ये मोस्ट फ्रिक्वेंट डाउट्स में से एक है कि सपोज हमारा रजिस्ट्रेशन 1 मई का है, बट अगर हम किसी वजह से 1 मई को नहीं पहुंच पाते तो क्या हम ट्रैक कर पाएंगे, दर्शन कर पाएंगे। तो जी हाँ, आप ट्रैक भी कर पाओगे और दर्शन भी कर पाओगे। अगर किसी भी सिचुएशन में स्पेसिफिक डेट फॉर धाम के अकॉर्डिंग यात्रा नहीं कर पाते हो तो आपको बस क्या करना है कि रजिस्ट्रेशन की साइट पर जाना है, अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म की डेट को चेंज कर लेना है, दैट्स इट। बट ये याद रखना, ये काम आपको ट्रैक स्टार्ट करने से पहले ही करना है या फिर चारों धामों के मेन एंट्रेंस पर पहुंचने से पहले करना है, और अपडेट करके जो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसको रीडाउनलोड कर लेना। मोस्टली लोग कमेंट में ये पूछ रहे हैं कि जो ग्रीन कार्ड है वो किन के लिए ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये सिर्फ व्हीकल ऑनर्स के लिए ही ज़रूरी है। जो नॉर्मल पब्लिक है, जो बस या टैक्सी से यात्रा करेगी, उनके लिए ये ज़रूरी नहीं है। ये भी काफ़ी सारे लोगों का डाउट था कि रजिस्ट्रेशन करते टाइम स्पेसिफिक डेट फॉर धाम में कौन सी डेट फिल करनी है। तो देखो, जिस भी दिन आप चारों धामों में से किसी भी पर्टिकुलर धाम के दर्शन करोगे तो उसकी डेट आपको वहाँ फिल करनी है। नाउ ये भी बहुत सारे लोग मेरे से कमेंट में पूछ रहे थे कि क्या हम मार्च में यात्रा कर सकते हैं या फिर कपाट खुलने से पहले केदारनाथ धाम जा सकते हैं। नो, आप नहीं जा सकते दोस्तों। चारों धामों में से किसी भी धाम के दर्शन आप 22 अप्रैल के बाद ही कर पाओगे, उससे पहले किसी भी धाम में जाना अलाउड नहीं होता। और एक ये भी डाउट था कि हमको सोनप्रयाग से बद्रीनाथ के लिए डायरेक्ट बस मिलेगी या फिर नहीं। देखो दोस्तों, बस आपको मिल जाएगी, बट 10 AM से पहले ही मिलेगी। इवनिंग में आपको वहाँ कोई बस नहीं मिलेगी। और ये भी याद रखें, अगर आपको सोनप्रयाग से बस नहीं मिलती तो आप गुप्तकाशी आ जाएं शेयरिंग टैक्सी से, वहाँ आपको बस भी इजीली मिल जाएगी और टैक्सी, शेयरिंग कैब सब कुछ वहाँ पर आपको अवेलेबल मिल जाएगा। हेली सर्विस से रिलेटेड डाउट है कि क्या हम हेली सर्विस 1 साइड के लिए बुक कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं दोस्तों, बुकिंग आपको 2 साइड की ही करनी होगी, आपको 1 साइड का वहाँ पर ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है। आप ऐसा कर सकते हो कि यात्रा हेली सर्विस के थ्रू कर लो और रिटर्न आप ट्रैक करके आ जाओ, बट आपको चार्जेस 2 साइड के ही पे करने होंगे। और ये भी काफ़ी सारे लोगों का डाउट था कि क्या हमको केदारनाथ ट्रैक स्टार्ट करने से पहले जैकेट, ट्रैकिंग शूज, रेनकोट रेंट पर मिल जाएंगे। देखो दोस्तों, मिल तो सब कुछ जाएगा, बट आपको उसको बाय करना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा, रेंट पर आपको वहाँ कुछ नहीं मिलेगा। और कुछ लोग ये भी पूछ रहे थे कि क्या लेडीज़ एंड जेंट्स के लिए डोरमेट्रीज या फिर ग्राउंड बेडी टेंट्स अलग अलग होते हैं या फिर सबको एक ही में स्टे करना होता है। देखो दोस्तों, डोरमेट्रीज और ग्राउंड बेडी टेंट्स सबके लिए कॉमन ही होते हैं, वहाँ पर आपको सबके साथ ही स्टे करना होगा। अगर आपको सेपरेटली स्टे करना है तो वहाँ पर आप रूम में स्टे कर सकते हैं। और ये भी याद रखें, डोरमेट्री और ग्राउंड बेडी टेंट्स के साथ आपको सी बाथ मिलता है। सी बाथ मीन्स कॉमन टॉयलेट एंड बाथरूम। क्या हम नाइट में केदारनाथ ट्रैक कर सकते हैं? नहीं दोस्तों, आप आफ्टर 4 PM ट्रैक नहीं कर सकते, बट हाँ, केदारनाथ टेम्पल से सोनप्रयाग के लिए नाइट में आ जरूर सकते हो। और ये डाउट मेरे पास काफ़ी सारे मल्टीपल पर्सन्स के थे कि हम रजिस्ट्रेशन कैसे करें, कितने दिन पहले करें, और विदाउट रजिस्ट्रेशन यात्रा करने से क्या होगा। सो फर्स्टली, आप रजिस्ट्रेशन वेबसाइट से भी कर सकते हो, व्हाट्सएप से कर सकते हो, टोल फ्री नंबर, एप्लीकेशन और ऑफलाइन भी कर सकते हो ऋषिकेश में। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है,
तो मैंने एक पूरा सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पे, मैं इस वीडियो के एंड स्क्रीन में आपको दे दूंगा, तो आप वहां से देख लेना। नाउ हम रजिस्ट्रेशन कितने दिन पहले करें? देखो दोस्तों, रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है, इसके लिए आपको एक भी रुपीस नहीं देना, तो आप इसको कितने भी मंथ पहले करा के रख सकते हो, डाउनलोड करके अपने पास रख लो। चाहे आप नवंबर में यात्रा कर रहे हो या फिर सितंबर में, आप कितने भी मंथ पहले उसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। क्या हम विदाउट रजिस्ट्रेशन यात्रा कर सकते हैं? देखो दोस्तों, इस साल आप विदाउट रजिस्ट्रेशन किसी भी धाम की यात्रा नहीं कर सकते हो। चारों धामों के मेन एंट्रेंस पर आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्कैन किए जाएंगे और आपको दर्शन के लिए एक टोकन दिया जाएगा, तो इसीलिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, मैंडेटरी है, आप विदाउट रजिस्ट्रेशन यात्रा नहीं कर सकते। और कुछ लोगों का डाउट ये भी था कि अगर हम हेली सर्विस के थ्रू अपनी यात्रा करेंगे तो हमको टोकन कहाँ मिलेगा। सो जिस भी फ्लाइट स्टेशन का आपने टिकट बुक किया होगा, वहीं पर आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी स्कैन किया जाएगा और आपको टोकन भी वहीं दिया जाएगा। और एक हेली सर्विस से रिलेटेड डाउट ये भी था कि क्या हम डायरेक्टली देहरादून से चारधाम यात्रा कर सकते हैं। तो देखो दोस्तों, फर्स्टली आप ये जान लो कि हेली सर्विस के थ्रू आप सिर्फ केदारनाथ और बद्रीनाथ ही यात्रा कर सकते हो। यमुनोत्री में आपको ट्रैक करके या फिर घोड़े खच्चर पालकी के थ्रू अपनी यात्रा करनी होगी। गंगोत्री में आप डायरेक्टली दर्शन कर सकते हो। और दोस्तों, देहरादून से आप सिर्फ दो धाम की यात्रा ही कर सकते हो बाय हेली सर्विस, दैट इज बद्रीनाथ एंड केदारनाथ। बट अगर आपको सेपरेटली केदारनाथ हेली सर्विस से करना ही है देहरादून से, तो आपको पूरा चॉपर ही बुक करना पड़ेगा, जो बहुत कॉस्टली पड़ता है। So I hope ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। Now गवर्नमेंट बस कैसे बुक करें? देखो, सबसे पहली बात, चारों धामों में से किसी भी धाम के लिए गवर्नमेंट बस है ही नहीं। हरिद्वार और ऋषिकेश से जो भी बस चलती है वो सब प्राइवेट बसेज हैं और उनकी बुकिंग आप रेड बस या फिर गोआई बीबो से ऑनलाइन कर सकते हो। और अगर आप पीक सीजन में बस के थ्रू यात्रा करना चाहते हो, तो आप ये भी जान लीजिए कि ऑन द स्पॉट आपको बस मिल जाए ऐसा पॉसिबल नहीं होगा पीक सीजन में। आपके पास ऑप्शन है कि आप एक दिन पहले हरिद्वार या फिर ऋषिकेश आ जाओ और अपनी जो बस है वो बुक करा लो, तो कुछ परसेंट आपके पास पॉसिबिलिटी होगी कि आपको सीट मिल जाए। और ये डाउट तो काफी सारे लोगों का था कि GMVN फुल हो गया है, अब हम कहाँ स्टे करेंगे। तो आप वहाँ प्राइवेट होटल्स में स्टे कर सकते हो या फिर वहाँ ग्राउंड बेडी टेंट्स हैं उनमें भी स्टे कर सकते हो। वहाँ पर पर्सनल कैंपिंग टेंट्स भी मिल जाते हैं, उनमें भी आप स्टे कर सकते हो। तो ये सभी ऑप्शन आपको इजीली वहाँ पर मिल जाएंगे। बट अगर आप ऑनलाइन होटल बुकिंग करना चाहते हो, तो एक बार ज़रूर ये चेक कर लेना कि वो पर्सन वो साइट ऑथेंटिक हो, तो थोड़ा अलर्ट होके ही आप बुकिंग करें। और एक डाउट ये था कि जो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है कि क्या हम चार धाम के लिए नाइट में ड्राइव कर सकते हैं। देखो, वैसे तो चार धाम के टाइम आपको नाइट में ड्राइव नहीं करने दिया जाएगा, बट दोस्तों ये बात याद रखें कि आपको किसी चेक पोस्ट पर रोका जाए या फिर ना रोका जाए, आप पहाड़ों में नाइट में ड्राइव ना करें। आफ्टर 7 PM बहुत रिस्की हो जाता है वहाँ पर। अगर आप अपनी व्हीकल से आ रहे हो और कोई भी परेशानी होती है, तो वहाँ पर आपको रात में कोई मैकेनिक शॉप भी ओपन नहीं मिलेगी। और रात में बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहाँ आपको रात में स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं मिलेगी, और साथ में बहुत गहरी गहरी खाइयाँ होती हैं, वैली होती हैं, तो काफ़ी डर रहता है नाइट ड्राइव करने का चार धाम में। और आप में से कुछ लोग पूछ रहे थे कि हमारे पास लगेज है तो हम उनको कहीं लॉकर में रख सकते हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल रख सकते हो। सोनप्रयाग में गौरीकुंड में आपको लॉकर की फैसिलिटी मिल जाती है, वहाँ आप इजीली उनको रख सकते हो। स्मॉल बैग 50 rupees फॉर 24 hours, बिग बैग और लगेज 100 rupees फॉर 24 hours। और जो हेली सर्विस से जाना चाहते हैं, उनका डाउट ये था कि हेली सर्विस की बुकिंग कब स्टार्ट होगी। तो देखो, यात्रा शुरू होने से 15 डेज बिफोर 15 दिन पहले हेली सर्विस की बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी। बट ये बात आप याद रखें, हेली सर्विस के थ्रू आप अपनी यात्रा 3 मई से ही कर पाओगे, और पहले कुछ डेज GMVN से ही बुकिंग होगी, आफ्टर दैट आप IRCTC से बुकिंग कर पाओगे। और ये भी काफी सारे लोगों का डाउट था, यमुनोत्री और गंगोत्री के रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होंगे। देखो दोस्तों, आफ्टर 20 मार्च, 20 मार्च के बाद आप यमुनोत्री और गंगोत्री के रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। और एक रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड डाउट ये भी था कि हम 7 to 8 पर्सन हैं, क्या एक ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म से काम चल जाएगा या फिर हमको सेपरेटली सबके रजिस्ट्रेशन करने पड़ेंगे। देखो दोस्तों,
आप 7-8% है या फिर 40-50% है, आपको सबका सेपरेट रजिस्ट्रेशन करना होगा, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म से काम नहीं चलेगा। सबसे ज्यादा जो कमेंट थे मेरे पास वो थे रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड। अब एक और डाउट है देखो कि जब यमुनोत्री और गंगोत्री के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे तो क्या तब हमको फिर से रजिस्ट्रेशन करना होगा? नो, बिल्कुल नहीं दोस्तों। आपको वेबसाइट पर जाना है, एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, देन उस पेज के सबसे एंड में जाना, बस यमुनोत्री और गंगोत्री धाम को ऐड कर लेना, देन जिस भी दिन आप इन दोनों धामों के दर्शन करना चाहते हो इनके सामने जो डेट है उसको चूज कर लेना, और लास्ट में सेव करके जो आपका PDF आएगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म का उसको रीडाउनलोड कर लेना। हो गया आपका चारों धामों का रजिस्ट्रेशन। नाउ छोटे बच्चों के साथ यात्रा कैसे करें? देखो इस टॉपिक पर मैंने एक पहले ही कंप्लीट वीडियो बना दी है, आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी, आप देख लेना। फिर भी शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ। देखो आपको सिर्फ केदारनाथ और यमुनोत्री धाम के ट्रैक पर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, बिकॉज यहाँ आपको ट्रैकिंग करनी है और बच्चों के साथ ट्रैकिंग करना इजी नहीं होता, ये बात आप याद रखें। फिर भी आप आई बटन में वीडियो देख लेना, वो आपकी काफी हेल्प करेगी। नाउ बेस्ट मंथ फॉर चार धाम यात्रा। देखो दोस्तों मॉनसून को छोड़ दो, बाकी सभी मंथ बेस्ट है, बस आप ये याद रखें स्नोफॉल कौन से मंथ में होगा। तो नवंबर में आपको स्नोफॉल देखने के लिए मिल सकता है, कुछ पॉसिबिलिटीज होती है। नाउ कौन से सिम कार्ड के नेटवर्क आते हैं और कौन सा सिम कार्ड लेकर जाएं, प्रीपेड या फिर पोस्टपेड? देखो जियो एंड एयरटेल की बेस्ट कनेक्टिविटी है, वहाँ बस आपको कहीं कहीं पर थोड़ी बहुत नेटवर्क में स्ट्रगलिंग फेस करनी पड़ सकती है, अदरवाइज नेटवर्क अच्छे आते हैं, और प्रीपेड सिम ही इनफ है, वहाँ इसी से काम हो जाएगा। और इस साल आपको ट्रैक पर कहीं कहीं पर और मंदिर के आसपास 4G नेटवर्क की कनेक्टिविटी भी मिल जाएगी वाईफाई के थ्रू। ये भी डाउट था कि क्या हम केदारनाथ ट्रैक पर बीच में कहीं स्टे कर सकते हैं, क्या अपना पर्सनल कैंप लगा सकते हैं? नहीं दोस्तों, आप ट्रैक के बीच में कहीं स्टे नहीं कर सकते और कैंप नहीं लगा सकते। टेंपल से 1.5 किलोमीटर पहले ही आप स्टे कर सकते हो और अपना पर्सनल कैंप लगा सकते हो। क्या इस साल हमको कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की जरूरत होगी? नहीं दोस्तों, इस साल कोई जरूरत नहीं है आपको वैक्सीनेशन की, बट जो अदर कंट्रीज के हैं वो अपने साथ कैरी करके लाएं, उनके लिए सही रहेगा। नाउ हमारे साथ हमारे पेरेंट्स हैं, उनकी एज 50+ है, वो कैसे यात्रा करेंगे? देखो दोस्तों फर्स्टली फिटनेस चेकअप होगा उनका ऋषिकेश में, और अगर वो चेकअप में फिट हैं तो आप आराम से यात्रा कर सकते हो। अगर यात्री 50+ एज का है और ट्रैक करने में प्रॉब्लम होती है तो आप बाय हेलीकॉप्टर, घोड़े खच्चर, पालकी, पिट्ठू, इनके थ्रू आप अपनी यात्रा कर सकते हैं। नाउ केदारनाथ के पास स्टे करने के लिए कोई चीपेस्ट ऑप्शन बता दो। सबसे चीपेस्ट है ग्राउंड बेडेड टेंट्स, या फिर आप कैंपिंग टेंट में भी रुक सकते हो। इसके अलावा वहाँ इससे चीपेस्ट आपको कुछ नहीं मिलेगा, डोरमेट्री भी मिल जाएगी GMVN की, बट उसका स्लॉट वैकेंट ही नहीं मिलता। नाउ दोस्तों यही थे आपके मोस्ट फ्रिक्वेंट क्वेश्चंस, क्वेरीज एंड डाउट्स। दोस्तों मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि मोस्टली केसेस में मैं आपके रिप्लाई कम ही कर पाता हूँ बिकॉज ऑफ अवर बिजी शेड्यूल, तो इसीलिए मैंने आप सभी के कमेंट्स के रिप्लाई इस वीडियो के थ्रू कर दिए हैं, एंड आई होप आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो भी गए होंगे। एंड गाइज थैंक यू सो मच फॉर 20K सब्सक्राइबर। दोस्तों बहुत खुशी होती है जब आपके काम को, आपके वर्क को डिजिटली लोग पसंद करते हैं। दोस्तों अगर मैं पर्सनली आपको बताऊं तो बहुत मोटिवेटेड फील होता है जब आप हमारे चैनल से कनेक्ट होते हो। आई फील कि हमारा वर्क लोगों को अच्छा लगता है। बट दोस्तों हमको यही नहीं रुकना, ये बात आप याद रखना, इस फैमिली को और बड़ा करना है। सो आगे भी दोस्तों आप इसी तरह से सपोर्ट करते रहना, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग भी कर दो। और एक लाइव सेशन के लिए मैंने आपसे बोला था आफ्टर 20K सब्सक्राइबर, तो जल्दी ही एक लाइव सेशन रखते हैं। मैं आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दूंगा कि वो किस डेट में होगा। इंस्टाग्राम स्टोरी पर, टेलीग्राम पर, यूट्यूब स्टोरी पर, पोस्ट पर, सभी जगह आपको मैं वो पोस्ट शेयर कर दूंगा ताकि आपसे वो लाइव सेशन मिस ना हो जाए। तो जिन्होंने अभी तक हमारा इंस्टाग्राम का ऑफिशियल पेज फॉलो नहीं किया तो कर लो, किस बात की देरी है। और टेलीग्राम चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ब्यूटी को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इस फैमिली को और बड़ा कर दीजिए ताकि हमको और ज्यादा मोटिवेटेड फील हो, हम आपके लिए और भी अच्छे से काम करें। और प्रेस द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट्स।
और दोस्तों वैसे मैंने आपके मोस्टली डाउट्स क्लियर कर दिए हैं, अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप हमको कमेंट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, और अदर इंक्वायरी के लिए आप हमको व्हाट्सएप भी कर सकते हो। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो हमारे चैनल का ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। सो आज की वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं आपको किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग।